दोस्तों, आपने एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का नाम तो सुना होगा, और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के बारे में बहुत सारी हार्मफुल बातें भी सुनी होगी कि वो बहुत हार्मफुल हैं, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, और बॉडी बिल्डर्स उन्हें लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, वो नपुंसक हो जाते हैं, आगे चल के बच्चे नहीं होते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें कितनी सच्चाई है? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं, लेकिन दोस्तों एक और प्रकार के स्टीरॉयड होते हैं जिन्हें हम कॉर्टिको स्टीरॉयड्स कहते हैं, कॉर्टिसोल। ये एक्चुअली में दवाई के जैसे भी यूज होते हैं आपके शरीर के अंदर, डॉक्टर्स इन्हें देते हैं और ये आपके शरीर में बनते हैं। इनका काम है जब भी आपको कोई भी स्ट्रेस होता है, या कोई बीमारी है, या कोई चोट लगी है, तो दर्द है, सूजन है, जलन है, लालपना है, इन सबको वो शांत करते हैं, इन्फ्लामेशन को शांत करते हैं, जरूरत पड़ने पे इम्यूनिटी को शांत करते हैं कि बस हम जंग जीत गए हैं। स्टीरॉइड्स आपके बॉडी प्रोड्यूस करती है, और डॉक्टर्स भी यूज करते हैं स्टीरॉइड्स को कई बीमारियों में दवा के जैसे, खासकर ऑटो इम्यून बीमारियों में, इम्यूनिटी वाली इंफ्लामेटरी डिजीजेस में, आर्थराइटिस में, अस्थमा में, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्किन के रैशेज में, एक्जिमा में, कुछ प्रकार के कैंसर्स में स्टीरॉइड्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि रैशेज में लगाने से वहां पे सूजन, जलन, लालपना कम हो जाता है, क्योंकि रैशेज इन्फेक्शन नहीं होते, हर एक टाइप का तो नहीं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो आज हम जानेंगे सब क्या है। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन, और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में बहुत ही ऑथेंटिक और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल भाषा में देते हैं। हमारी सारी जानकारी US इंटरनेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से डायरेक्टली ली जाती है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड और स्टीरॉइड का बेसिक समझाया था। आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्टीरॉइड की दवा ले रहे हैं या डॉक्टर आपको दे रहे हैं तो क्यों देते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कैसे लिए जाती है, और उसमें किस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टीरॉइड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से कहाँ से आते हैं, उनके बारे में जानने के लिए पहला वीडियो स्टीरॉइड्स पे, एड्रिनल ग्लैंड वाला वीडियो ज़रूर देखिए। ज़्यादातर दोस्तों जो दवाइयाँ हम स्टीरॉइड की देते हैं एज डॉक्टर्स, वो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स होती हैं। उनमें कॉर्टिसोन हो सकता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो सकता है, प्रेडनिसोन हो सकता है, या इनके ही भाई बहन कोई ना कोई होते हैं। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी दवाइयाँ बहुत सारी कंडीशंस में दी जा सकती हैं, लेकिन ये सारी कंडीशंस इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड आपके एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, उनका इन्फ्लामेशन कम करती हैं आपकी बॉडी से, पेन, सूजन, ये सब चीज़ें कम करती हैं, दर्द, जलन, सूजन, लालपना कम करती हैं, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम करते हैं। तो हम अगर हमें लगता है कि आप ही की इम्यूनिटी आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो हम फिर आपको ये दवाएं देते हैं। और ये दवाएं और इन दवाओं के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए आपको अपने डॉक्टर के साथ काम करना होगा, उनसे बात करनी होगी, ताकि आप इनके रिस्क, इनके साथ जो साइड इफेक्ट के रिस्क हैं, उन्हें मिनिमम कर सकें। अगर आपको कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जैसे आर्थराइटिस, अस्थमा, लूपस, एक्जिमा, रैश, अर्टिकेरिया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, तो आपको स्टीरॉइड्स दिए जा रहे होंगे या दिए जा सकते हैं, क्योंकि इनसे आपके साइंस एंड सिम्टम्स, तकलीफें कम हो जाएंगी। लेकिन इससे इलाज नहीं हो जाता, ये टेम्पररी इलाज है, टेम्पररी रिलीफ है। तो क्यों है? क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम सप्रेस कर रहे हैं, ये आपकी इन्फ्लामेशन सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए इन कंडीशंस को कंट्रोल करने में डॉक्टरों की मदद करते हैं, ताकि ये ना हो कि आप ही की इम्यूनिटी आप ही के टिश्यूज़ को डैमेज कर रही है, आप ही की इम्यूनिटी आपके आर्थराइटिस, आपके हड्डियों को गला दें, हड्डियों की ऐसी तैसी हो जाए। तो इसलिए हमें कभी कभी इनका इस्तेमाल करना होता है। इसीलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, अस्थमा, एलर्जी, मेनी अदर कंडीशंस, ऐसे में हम इनको इस्तेमाल करते हैं।
और अगर किसी कारण से आपके अंदर ये स्टीरॉयड नहीं बन रहे हैं, एडिसन्स डिजीज हो जाए आपको, तो फिर भी हमें ये देने पड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी की ज़रूरत पूरी हो सके। और इवन जब हम ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो ट्रांसप्लांट होने के बाद वो ट्रांसप्लांट पे आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट करके ट्रांसप्लांट खराब ना कर दें, वो ऑर्गन खराब ना कर दें, इसलिए हमें इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए स्टीरॉयड देने पड़ते हैं। और ये स्टीरॉयड गोलियों के हिसाब से, कैप्सूल गोलियां, सिरप के हिसाब से मुंह से भी लिए जा सकते हैं, इनहेलर नेजल स्प्रे में भी आते हैं अस्थमा के लिए, नेजल एलर्जीज के लिए, क्रीम्स लोकल ऑइंटमेंट के जैसे भी आते हैं चमड़ी की बीमारियों के लिए, और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं अगर आपके जॉइंट में, मसल में कहीं सिम्टम है तो, टेंडन में सिम्टम है तो। तो ये अलग अलग प्रकार में एक ही दवा के फॉर्म्स होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और इन दवाओं में एक बड़ा रिस्क होता है, जहाँ ये दवाएं हमें मदद करती हैं सिम्टम कंट्रोल करने में और बीमारी के से आपको तकलीफ कम होने में, वहीं इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। कुछ में तो इतना रिस्क है कि जिंदगी भर के लिए सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या हो सकता है साइड इफेक्ट्स, खास करके अगर आप स्टीरॉइड्स दवा, ओरली दवा खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं या सूंघ रहे हैं, इनहेलर्स ये सूंघ रहे हैं या इनहेलर के तौर पे ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपकी आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ सकता है, एलिवेटेड प्रेशर इन दी आई, ग्लॉकोमा कहते हैं इसे, आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, पानी जमा हो सकता है पैरों में, सूजन आ सकती है, आपकी मूड प्रॉब्लम हो सकता है, बिहेवियर, मेमोरी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, वजन आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि स्टीरॉयड का काम है ग्लूकोस बनाना, खपा खप खपा खप, ग्लूकोस, प्रोटीन लो, मसल तोड़ो, ग्लूकोस बनाओ, ज़्यादा ग्लूकोस हो गया फैट बनाओ, फैट तोड़ो ग्लूकोस बनाओ, ज़्यादा ग्लूकोस हो गया फैट बनाओ, तो क्या होगा, आपकी हाथ और पैरों से सारी मसल कम हो जाएंगी, पतले पतले हाथ पैर हो जाएंगे, और अल्टीमेटली फैट बन के कहाँ, पेट में फैट, पीठ में फैट, गले में फैट, मुंह में फैट। सो सेंट्रल ओबेसिटी, पैर पतले, हाथ पतले, बट्स पतले। कुछ लोगों को लगता है स्टीरॉयड लेने के बाद हम पतले हो गए, बट वो धीरे धीरे मोटे भी हो रहे हैं, होंगे, क्योंकि हाथ पैर पतले होते हैं लेकिन मसल कम हो रही है, उन्हें पता ही नहीं। एनीवेज, और अगर आप स्टीरॉयड ज्यादा दिन तक लेते हैं तो आपके कैटरेक्ट, आई लेंसेस खराब हो सकते हैं, आपको ब्लरिंग हो सकती है, दिखने में थोड़े थोड़े ऐसे बादल जैसे धब्बे आने शुरू हो जाएंगे, कमरे में बादल दिखना शुरू हो जाएगा, आपकी ब्लड शुगर तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी या आपकी डायबिटीज़ ख़राब हो जाएगी, आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन हो सकते हैं। हमने देखा था कि स्टीरॉयड, कॉर्टिको स्टीरॉयड्स आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, पिछले वीडियो में देखा था, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं, हड्डियों को बनने नहीं देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपकी हड्डियाँ पतली पतली हो जाएंगी, पक से टूट जाएंगी, मसल भी पतली, हड्डी भी पतली, तो टूटेगी टूटेगी, थोड़ा सा लगेगा तो टूट जाएगी। उसके अलावा आपकी स्किन पतली हो जाती है, स्किन पतली पतली चमड़ी हो जाएगी, आराम से बहुत आ रहा है, आसानी से पतली पतली, बहुत आसानी से ब्रूजिंग हो जाएगी आपको, वुंड हीलिंग स्लो हो जाएगी, इसलिए स्किन पे स्ट्राई आ जाएंगे, अभी बात करी थी हमने पिछले वीडियो में, स्ट्राइज, स्ट्रेच मार्क्स आसानी से आएंगे। और अगर स्टीरॉयड्स आप ले रहे हैं लंबे समय के लिए, तो वो आपके अंदर बनने वाले जो स्टीरॉयड है एड्रिनल ग्लैंड में, उसको बंद कर देंगे, आपके दिमाग से सिग्नल आता है स्टीरॉयड ज़्यादा हो गया, बंद बंद बंद, और मत बनाओ, तो बंद हो जाएंगे आपके अंदर बनना। इसलिए स्टीरॉयड कभी भी एकदम से बंद नहीं करते, दवाई धीरे 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 कम करके बंद करते, ताकि आपके अंदर स्टीरॉयड बनना शुरू हो, इंटरनल स्टीरॉयड भी तो बनने चाहिए। इसीलिए कोई भी स्टीरॉयड की दवा एकदम से बंद नहीं की जाती, डोज टेपर करके लंबे समय में डॉक्टर के साथ मिल के बंद की जाती है। अगर आप इनहेलर ले रहे हैं स्टीरॉयड का, तो वहाँ इफेक्ट आएगा, आपके मुंह के अंदर फंगस बन सकता है, ओरल थ्रश, आपको होर्सनेस, वॉइस मोटी हो सकती है, बिकॉज वहाँ सूजन आएगी। और अगर आप ओरल स्टीरॉयड ले रहे हैं, तो आपको इन दो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, फंगल, ओरल थ्रश अवॉइड करने के लिए, आप जब भी स्टीरॉयड का पफ लेते हैं, एक
पानी से गार्गल करिए और उसे पीना नहीं है, उसे बाहर थूक देना। हर बार जब भी पफ किए पानी गार्गल फेंक दिया, इससे इसके रिस्क कम हो जाएंगे। तो आपको माउथ थ्रोट इरिटेशन और ओरल थ्रश ये सब चीज़ें नहीं होंगी। खास करके बच्चों के लिए जो अस्थमेटिक होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो लेना पड़ता है इन्हेलर। अगर आप स्टीरॉयड क्रीम लगा रहे हैं किसी भी तरीके के लेजन के लिए, तो स्टीरॉयड क्रीम से कई दफ़ा वैसे तो रेडनेस कम हो जाती है लेकिन स्किन पतली हो जाती है। पतली स्किन में लाल लाल दिखने लग जाएगी क्योंकि नीचे दिखेगा, एक्ने आ सकते हैं। और अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो इंजेक्शन से तो टेम्पररी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जहाँ आपने इंजेक्शन लगाया वहाँ पे स्किन पतली हो जाएगी, कलर कलर लॉस हो सकता है, वाइट हो सकता है, पैचेस आ सकते हैं, फेस में आपकी सूजन हो सकती है, फ्लशिंग हो सकती है, एकदम फेस लाल हो सकता है, नींद उड़ सकती है, नींद इंसोमनिया, शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर्स स्टीरॉयड के इंजेक्शन 3 से 4 बार ही देते हैं साल में, लिमिट कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन में कितना ज़रूरी है, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो अगर आप स्टीरॉयड लेते हैं तो अपने डॉक्टर के साथ मिल के काम करिए और स्टीरॉयड के मैक्सिमम बेनिफिट और लीस्ट साइड इफेक्ट, लीस्ट रिस्क के लिए कुछ बातों का ध्यान रखिए। जब भी स्टीरॉयड बंद करना है, धीरे धीरे बंद करना है, या तो दवाई का डोज कम करना है, या बीच बीच में छोड़ छोड़ के बंद करना है, एक दिन छोड़ के, ये डॉक्टर से डिस्कस करिए, वो बताएंगे कैसे करना है। अपने आप एकदम बंद नहीं करना, वरना अंदर का स्टीरॉयड बंद, बाहर का भी बंद, एड्रिनल क्राइसिस, बेहोश हो सकते, कोमा में जा सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था एड्रिनल क्राइसिस क्या होता है। अगर आपको अस्थमा है तो स्टीरॉयड की टैबलेट्स की जगह, ओरल स्टीरॉयड्स की जगह जो इनहेल्ड स्टीरॉयड्स हैं उसको लेने की कोशिश करिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके लंग्स में जाएगा तो लोकल लोकली ज़्यादा इफेक्ट करेगा और बाकी शरीर पे इफेक्ट कम होगा उनका। अस्थमा में इसलिए इन्हेलर्स ज़्यादा दिए जाते हैं। ब्यूटेनॉइड स्टीरॉयड है, फ्लूटिकासोन ब्यूटेनॉइड क्या है, स्टीरॉयड है। अगर आप लेना ही पड़ रहा है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, स्टीरॉयड लंबे समय के लिए लेना पड़ रहा है, तो अपने डॉक्टर से बात करिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं उसके साइड इफेक्ट कम करने के लिए। हेल्दी डाइट लीजिए, एक्टिव रहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करिए, अपने बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, कैल्शियम ज़्यादा खाइए, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, क्योंकि वो कम होंगी, मसल्स कम होंगी, बोन कम होंगी, तो एक तरफ कम हो रही है तो दूसरी तरफ से बढ़ाना कोशिश करिए, तो दोनों बैलेंस होगा। और ध्यान रखिए जब भी बंद कर रहे हैं अचानक बंद नहीं करना है, अचानक बंद करेंगे कुछ दिन मिस कर देंगे तो कमज़ोरी आ सकती है, हाथ पैर में दर्द हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। आप एक ब्रेसलेट भी पहन के घूम सकते हैं जिसमें, या फिर आप एक टैग या कार्ड लेके घूम सकते हैं कि पता चले जिससे कि आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, कहीं कोई इमरजेंसी हो गई, आप हॉस्पिटल चले गए, उन्होंने कोई ऐसी दवा दे दी जो स्टीरॉयड के साथ रिएक्ट करी, बहुत सारी दवाओं के साथ स्टीरॉयड रिएक्ट करती है, बहुत सारी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है स्टीरॉयड लेते हुए, डॉक्टर से भी बात करनी है, खुद को भी अलर्ट रखना है, एजुकेटेड रखना है, और रेगुलर चेकअप कराने हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं बन रहा। कॉर्टिकोस्टीरॉयड एक बहुत अच्छी दवा है, बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रांग दवा है, लेकिन बहुत खतरनाक है। ये आपकी दिक्कतें चुटकी में गायब कर सकती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स, दिक्कतों के पेशेंट, दर्द, सालों के दर्द तुरंत ख़त्म, पेन डिस्कम्फर्ट ख़त्म, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये रिलीफ देता है। तो इसलिए अपने डॉक्टर से बात करिए इसके साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं या कोई ऐसा हर्बल प्रोडक्ट भी ले रहे हैं जो कि स्टीरॉयड के जैसा काम करता है, तो ये सारे इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। और हाँ, ऐसे कई हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, कई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जिनमें स्टीरॉयड के जैसा इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, कई हैं, जैसे कि सैंडलवुड ऑयल, और भी कई है, आप सर्च कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हर चीज़ का जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश करिए जानने की कि वो एक्ट कैसे करता है। बट स्टिल ठीक है, सैंडलवुड ऑयल पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाएंगे और उसके यूज़, बेनिफिट, रिस्क सब समझाएंगे।
कुछ दिनों में। इसीलिए भी ये स्टीरॉयड का वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना। सो स्टीरॉयड्स के बारे में आई होप आपको समझ आया होगा काम कैसे करते हैं। पहले वीडियो में देखिए क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे इस्तेमाल होता है दवाइयों के हिसाब से आज के वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनाबॉलिक स्टीरॉयड का मिसयूज, ड्रग अब्यूज़ और लोग जो बॉडी बिल्डिंग के लिए लेते हैं उसके बारे में। सो देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली NCR। और ये है मेरा चैनल जो आप देख रहे हैं और लोगों को दिखाना आपका काम है। सो गाइज, टिल नेक्स्ट टाइम स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बी हेल्दी।